जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होंठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम, जितने पास पास ख्वाबों की नजर, उतने पास तू रहना हम सफर, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, हाय चैनल। तो जी, हम आ गए हैं और हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग। हमेशा टैरो रीडिंग ही लाते हैं और कुछ लाते थोड़ी आपके लिए, जो भी है। सबसे पहला अपडेट कि आज जो है हमने पायलट बैच हमारा शुरू हो गया है और पायलट उड़ गया है बिल्कुल, और बहुत अच्छा रहा, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बाकी स्टूडेंट्स को पता होगा कि उनको कैसा लगा हमारे साथ क्लास लेने में। तो मीनाक्षी जी और पूनम जी और तन्वी जी, इन लोगों ने, तीनों ने क्लास ली थी और दो तीन लोग और जुड़े थे, लेकिन उसमें वो हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, जूम मीटिंग एंड हो गया था। हमें कुछ पता नहीं है ना कि जूम के भी जो है कुछ चार्जेस होते हैं, ये होता है। हम तो बस आ गए रीडिंग, वो मतलब क्लासेस लेके, उसके बाद जो है वो बंद हो गया बीच में, रीडिंग स्टॉप हो गई, मतलब क्लासेस स्टॉप हो गई। फिर बहुत कुछ करने के बाद जो है पता नहीं क्या सब हुआ, उसके बाद दोबारा हम जुड़े और वो लोग फिर से कनेक्ट हो पाए। अगले संडे जो है सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पहला संडे था और हमको इतना वो नहीं हुआ। फिर भी हमने 2.5 घंटे की क्लास दिया भाई, 30 मिनट्स पहले हुआ था, उसके बाद वो बंद हो गया था, उसके बाद हमने ऑलमोस्ट, उसके बाद फिर से हमने जो है ऑलमोस्ट 2 घंटे की और क्लास दी। तो इन टोटल हमने 2.5 घंटे की जो है क्लास ली है, ठीक है। तो मतलब 2.5 घंटे से कुछ 5-10 मिनट आगे पीछे होगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत पहली बार जो है टीचर, मतलब टीचर हम स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते थे ना स्कूल का, जो है ट्यूशन भी पढ़ाया हमने बहुत, लेकिन बीच में वो ब्रेक हो गया था ना, तो अब वो पैटर्न वापस से दोबारा से जो है हम टीचर खेल रहे थे। आज बड़ा मज़ा आ रहा था बहुत मज़ा आ रहा था, और इतने सारे प्रश्न थे जो है जो क्लास ले रहे थे उनके, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी क्वेरीज थी। आई होप उनके क्वेरीज हम क्लियर कर पाए होंगे। हमने बता ही दिया था कि भाई 10 क्लासेस में जितना हमारे पास नॉलेज है हम वो पूरा जो है एकदम निचोड़ के रख देंगे, तो बाकी तो आप लोगों के ऊपर होता है कि आप कितना ग्रैब कर पाते हैं। और लिंक के लिए जो है हमने पहले ही कल बता दिया था, अब जब क्लास के बीच में कुछ लोग जो है लिंक मांग रहे थे, एक तो हमें वैसे ही कुछ ठीक से आता नहीं है और जो है हम लिंक ठीक से शेयर नहीं कर पाए, और कुछ लोगों की क्लास रह गई, क्योंकि हम चाहते थे कि पहली क्लास जो है वो लोग हमसे जो है कनेक्ट कर पाए, देख पाए कि वाकई में वो इस जर्नी में एलिजिबल हैं कि नहीं है, सीखने योग्य, मतलब वेदर दे आर द चोजन वंस, कि वो हीलर बन सकते हैं कि नहीं। वैसे भी हम हमेशा से बताते हैं कि टैरो सबके लिए है, सब सीख सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए भगवान आपको रोकेंगे थोड़ी ना, लेकिन वही होता है कि आपको अंदर से खुद की डिज़ायर होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से जो है चीज़ें चलती हैं। अब बहुत लोगों ने हमको मेल पे कांटेक्ट किया था कि आप टैरो सिखाती हैं, तब हमने ना कर दिया, लेकिन वही है कि भाई जो सीखना चाहते थे वही लोग जुड़े हैं, तो इन लोगों की मैनिफेस्टेशन ज़्यादा काम आई है, क्योंकि ये लोग ही हमसे सीखना चाहते थे, तो देर से ही सही, लेकिन हम जो है इस चीज़ के लिए राजी हुए। और इस बीच हमने 222 देखा, 333 देखा और 444 भी देखा, ठीक है, वीडियो के इसमें। तो बात करते करते जो है हमें दिख गए एंजल नंबर्स, तो जाहिर सी बात है वी आर ऑन राइट ट्रैक, राइट पाथ, ठीक है, तो सही जा रहे हैं हम लोग,
है ना। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें आज क्लास लेके, बहुत मज़ा भी आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया। और अब अगली क्लास संडे को रहेगी, तो अगर कुछ लोग, जो भी लोग इच्छुक हैं, तो ज़्यादा कोर्स जो है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है आगे हम लोग नहीं अभी पहुँचे हैं, ठीक है, अभी भी बेसिक पे ही हैं। तो कुछ लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अभी से हमें बता दीजिएगा, ताकि हम जो है लिंक आप लोगों से शेयर कर पाएँ। तो वही सेम लिंक ही रहता है आई थिंक, है ना। तो लिंक जो है आप फ्राइडे को ही हमसे जो है आप लिंक ले लें, क्योंकि अब कल क्या हुआ कि अभी उसके दौरान 1 बजे 12:30 बजे कुछ लोग लिंक मांग रहे थे, और हमसे जो है हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम लिंक शेयर नहीं कर पाए। तो वही होता है कि हमको टाइम चाहिए होता है, हम ज़्यादा टेक्निकल बंदे नहीं हैं ना, तो हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता इन सब चीज़ों का, बहुत दिक्कत होती है। तो अब जूम के भी इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, हमें नहीं पता था। 555 तो ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है, 555 चेंजेस, तो चेंजेस आपकी लाइफ में नियर बाय है, ठीक है, हमने 555 देखा। तो चलिए आज रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग रहेगी, जस्ट टू चेक व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, क्योंकि एनर्जीज़ काफ़ी आज कल परसों से कुछ हैवी एनर्जीज हमें अप डाउन होती भी दिखाई दे रही हैं। इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई लो हो रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमें यहाँ पर एस ऑफ सोर्स दिखाई दिया है, ठीक है। तो क्लैरिटी किसी को, कोई क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। आज हम जो है अपना इसका भी जो है यहाँ पर सोच रहे हैं कि उद्घाटन करें, हमारा ये डंगियंस एंड ड्रैगन्स का जो टैरो डेक है उसका भी जो है हम सोच रहे हैं कि एक बार उद्घाटन करते हैं और देखते हैं क्या आता है इसमें से। तो क्योंकि इसके आपको पता है कि इसके जो है मीनिंग्स अलग होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, हमें जितना हम जितनी एनर्जीज ग्रैप कर पाएंगे उतना, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी और इनसे भी हम क्लैरिफाई करेंगे अपने रेगुलर डेक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज की, ठीक है। गॉड का नेम लीजिए और प्लीज़ जो लोग भी सीखने की इच्छुक हैं अवश्य हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को रिग्रेट नहीं होगा इतना, तो मतलब अफसोस नहीं करेंगे, जितना भी आप सीख पाएंगे हमसे जितना हो पाएगा हम आपको देंगे उतना ज्ञान, ठीक है, और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, दोबारा से नॉक करते हैं कलेक्टिव जनरल के लिए रीडिंग। तो देखते हैं, ठीक है, क्या जानने की आवश्यकता है, क्या चल रहा है क्या नहीं है, देखते हैं आज इसमें से क्या आ रहा है। नाइन ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, नाइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स होता है, ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन देखते हैं, एक कार्ड आया है नाइन ऑफ विजडम, ये नाइन ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या आ रहा है। ओके, एक कार्ड आया है, पता नहीं किसी की एनर्जीज हम पिक कर पा रहे हैं जो बहुत हैवी एनर्जीज में है, पता नहीं, इसलिए हमने आपको बोला भी कि थोड़ा हैवीपन सा फील हो रहा है। तो किसी की एनर्जीज है जो काफ़ी हैवी लो फील कर रहे हैं बेसिकली, देखते हैं।
मतलब जनरली जो भी पर्सन की एनर्जीज हम ग्रैप कर पा रहे हैं ये काफ़ी हल्की फुल्की एनर्जी में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा इनको बहुत सारा काम एक साथ दिया गया हो या बहुत सारा मेंटल प्रेशर हो इन पे। देखते हैं, अरे बाप रे, तो बहुत सारे कार्ड जा रहे हैं। क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पे, जो कि होता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यही हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नए कार्ड्स है ना। तो सेवन ऑफ इंटेलिजेंस, ये आई थिंक सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है या सेवन ऑफ सोर्ड्स है, हम अभी कंफर्म करेंगे। सेवन ऑफ स्ट्रेंथ, ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, सेवन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेवन इलेवन देखा हमने। नाइन ऑफ इंटेलिजेंस, ये आई थिंक नाइन ऑफ इंटेलिजेंस नाइन ऑफ सोर्ड्स है या फिर नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी हम कंफर्म करते हैं अभी। ठीक है, एट ऑफ इंटेलिजेंस, ओके इंटेलिजेंस है ना, ये सोर्ड्स के कार्ड हैं। एट ऑफ इंटेलिजेंस आपको दिख रहा होगा, ये इमेज एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखा होगा आपने, तो ये इंटेलिजेंस सोर्ड्स, सोर्ड्स से एयर एनर्जी है, यानी मतलब अभी बताते हैं। इंटेलिजेंस यहाँ पर, इंटेलिजेंस के कार्ड्स जो आए हैं वो सोर्ड्स के हैं। सेवन ऑफ इंटेलिजेंस है, नाइन ऑफ इंटेलिजेंस है एंड एट ऑफ इंटेलिजेंस है। तो यानी ये सेवन ऑफ सोर्ड्स आया है, नाइन ऑफ सोर्ड्स आया है और एट ऑफ सोर्ड्स आया है। बोला था हमने आपको कोई पर्सन, देखो यहाँ पे नींद भी किसी की ख़राब है, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है इंटेलिजेंस। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली स्टक। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स आपने देखा होगा ब्लाइंड फोल्डेड होता है, हर जगह से जो है बंद अपने आप को महसूस करना। ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स में भी आपने देखा होगा कि जो सेवन ऑफ सोर्ड्स का जो राइडर वेट का डेक होता है उसमें भी सेवन ऑफ सोर्ड्स में वही बना होता है, इसी प्रकार का होता है सेवन ऑफ सोर्ड्स में भी। नाइन ऑफ विजडम, सेवन ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड कौन सा होता है, हमें याद क्यों नहीं आ रहा सेवन ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड कैसा होता है देखने में। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके सेवन ऑफ सोर्ड्स, हाँ याद आया। नाइन ऑफ विजडम, नाइन ऑफ विजडम और नाइन ऑफ स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ आपकी वो होता है, क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ आया ना, ये वॉन्ड्स होता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, फायर एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पर है विजडम, स्ट्रेंथ विजडम इंटेलिजेंस। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो एक कैरिज्मा भी है, तो कैरिज्मा पेंटिकल्स को डिफाइन करता है। जो जैसे ये नाइन ऑफ विजडम आया ना, नाइन ऑफ इंटेलिजेंस आया या नाइन ऑफ स्ट्रेंथ आया, तो एक नाइन ऑफ कैरिज्मा है वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास है सोर्ड्स, एयर साइन है, विजडम यानी कप्स की एनर्जी है, बहुत कम है कप्स की एनर्जी, सिर्फ एक ही है, नाइन ऑफ विजडम यानी नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, और नाइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर हम आपको यही बताना चाहते हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कोई अपनी बात को रखने की बहुत जद्दोजहद कर रहा है, अपने आप को प्रूव करने की यहाँ पे किसी की बहुत ज़्यादा कोशिश है। नाइन ऑफ विजडम के कार्ड, इनके इमेजेस को अगर हम देखें, देखिए किसी की एनर्जीज हम ग्रैब कर पा रहे हैं कि जो अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी है वो पूरा दिन यही सोचता रहता है कि जो भी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशनशिप में आप लोग रहे हैं, तो या तो आप, या तो हम किसी की एनर्जीज ग्रैब कर पा रहे हैं, मे बी आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं ये उनकी एनर्जी है। कोई यहाँ पर अपने आप को सही प्रूव करने की बहुत कोशिश कर रहा है, सही, और अपनी बात रखने की, मतलब अपनी बात रखने की मतलब
जो उनके विचार हैं वो आप पे थोपने की, ज़बरदस्ती थोपने की किसी की कोशिश यहाँ पर इन कार्ड से हम यही ग्रैब कर पा रहे हैं। ओके, बहुत स्टक है अभी मेंटली, ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं, दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ पे अटका हुआ है कि अपने आप को प्रूव करना। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रूव नो मैटर वॉट, कोई भी हाई वे, माई वे और हाई वे, मतलब किसी की नहीं चलेगी, ये अपना ही चलाना चाहते हैं और ये जो भी पर्सन है ये अपनी बात को प्रूव करना चाहते हैं। पता नहीं क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, लेकिन कुछ अपनी बातें हैं जो ये आपके सामने रखना चाहते हैं। इसीलिए जो है हमको यहाँ पर ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा है, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। एंड लुक यहाँ पर क्या है, एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी एट ऑफ इंटेलिजेंस है, एट ऑफ सोर्ड्स है। तो एट ऑफ सोर्ड्स हमें यही दर्शाता है कि यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं, माइंड, माइंड इंटेलिजेंस है ना ये, एट ऑफ इंटेलिजेंस। इस डेक के मीनिंग्स अलग होते हैं, ठीक है, डंगियंस एंड ड्रैगन्स के। तो एट ऑफ इंटेलिजेंस, तो कोई अपना दिमाग सिर्फ इसी चीज़ में चला रहा है, उनका दिमाग पूरी तरीके से जो इंटेलिजेंस है, ब्रेन है, वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ स्टक है, सिर्फ अपने आप को प्रूव करने की जद्दोजहद इस पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगर है ये पर्सन, ठीक है। अब इस डेक में से देखते हैं कि क्या है ऐसा। हालांकि ये पर्सन डेफिनेटली नाइन ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ पर जो नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यूजुअली जो ट्रेडिशनल डेक में होता है कि नाइन ऑफ सोर्ड्स, पता है कि स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं, इंसान सो नहीं पा रहा होता है, यहाँ पे नाइन ऑफ इंटेलिजेंस का अगर आप कार्ड देखेंगे तो ये कुछ ऐसी क्रियाकलाप कर रहा है जो बहुत ही डिफरेंट है, मतलब नींद में भी, सबकॉन्शियस कॉन्शियस लेवल पे भी, और ड्रीम करके या सो के अपने माइंड में सिर्फ यही चलाता रहता है ये पर्सन कि अपने आप को प्रूव कैसे करना है, कौन सी बात से। मैनिपुलेटिव वाली एनर्जी भी हमें यहाँ पे आ रही है कि अगर कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये अपनी बातों से हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आपको घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके एकदम से आपको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। और ये पर्सन की अभी की इंटेंशंस भी ऐसी है कि बातों को घुमा फिरा के वो किस तरीके से आपको जो है अपने जाल पे, अपने ट्रैप पे ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो पूरे दिन ये पर्सन सिर्फ यही सोचता रहता है कि क्या बताऊं, जब ये सवाल आएगा तो इसका क्या जवाब होना चाहिए, जब वो सवाल आएगा उसका क्या जवाब। तो पूरे दिन बस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग माइंड में सिर्फ यही चल रहा है इस पर्सन के। एंड क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ ओवरऑल एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जीज हैं क्योंकि आप अभी अपने पावर में हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर रहे हैं, ठीक है, और आप अभी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, किसी एक पर्टिकुलर, अपनी लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत फोकस्ड है और वो इस पर्सन को पता है। तो इसलिए ये पर्सन सोच रहा है कि मैनिपुलेट करने के अलग अलग हथकंडे अपनाने की कोशिश करना या अलग अलग तरीके जो है माइंड में पूरे दिन यही चलाते रहना कि किस प्रकार से आपको मैनिपुलेट किया जाए। नाइन ऑफ विजडम यानी नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन नाइन ऑफ कप्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे विश फुलफिलमेंट का राइडर वेट डेक में विश फुलफिलमेंट होता है, लेकिन अगर आप इसमें इमेजेस देखेंगे तो नाइन ऑफ कप्स का ये जो नाइन ऑफ विजडम है, यहाँ पर ये पर्सन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। जैसा कि आपने देखा होगा कि उसमें भी जो उसमें होता है, वो भी जो बैठा होता है इमेज में नाइन ऑफ कप्स, और सर के ऊपर नाइन कप्स होते हैं, और वो जो बैठा होता है हेल्दी सा जो इमेज बना होता है वो बहुत खुश होता है, उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती है जैसे उसको सब कुछ मिल गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स की ये, तो इसके हाथ में जो है एक चिकन का लेग पीस है जो ये खा रही हैं, मतलब कितना इन्जॉय कर रही हैं, सामने बहुत सारा ढेर सारा जो है पैसा पड़ा हुआ है, मनी चमक रहा है चमकता हुआ, और पैरों के ऊपर पैर रख के ऐसे मतलब रिलैक्स करने वाली फीलिंग आ रही है इस कार्ड से, जैसे कुछ इन्होंने फतेह किया है, कुछ इन्होंने हासिल किया है और दिमाग में बस यही चल रहा है कि बताना क्या है आपको, कहाँ था, क्या कर रही थी, कहाँ पर इतने टाइम स्टक, मतलब मैनिपुलेशन आपको जो है ये पूरी तरीके से अपनी बातों में आप मतलब आपको लपेट लेंगे।
ऐसी एनर्जीज हैं। सेवन ऑफ स्ट्रेंथ भी है यहाँ पे, यानी सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स में भी यही होता है। और अगर आप देखेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो इस पर्सन के हाथ में भी एक जो है चिकन का लेग पीस है, इस पर्सन के इनके भी हाथ पे एक चिकन का लेग पीस है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अभी नॉनवेज खा रहे हों। ठीक है, देखिए कार्ड्स के इंटरप्रिटेशन आपकी इंट्यूशन जो आपको बताती है वही होता है। तो हो सकता है इस वक्त ये पर्सन काफ़ी भोग विलास में डूबे हुए हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग और ये नॉनवेज बहुत ज़्यादा खा रहे हों। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हम इन कार्ड से ग्रैब कर पा रहे हैं। नाइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो अपनी बात रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा खुद को अभी बहुत पावरफुल समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि इनका टाइम आया है कि ये कुछ जो है आपको बताएंगे। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे लेकिन इंटेंशंस वही है, मैनिपुलेशन वाली हैं, फेक इंटेंशंस, रियल कुछ नहीं है। ठीक है, पहले ही बता देते हैं। अब इसमें से देखते हैं, इनके इमेजेस बहुत डिफरेंट हैं और इनकी इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट है। तो आज हमने पहली बार इन कार्ड्स का यूज़ किया है एंड दे आर लवली, ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड ब्यूटीफुल इमेजेस, बहुत एनर्जीज भी ऐसी ग्रैप कर पा रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा खाने पीने में समय व्यतीत कर रहे हैं अभी, पता है, मतलब रंगीन मिजाज। पैसा बहुत वेस्ट कर रहे हैं, सीक्रेट है, सीक्रेट एनर्जी। मून का कार्ड आया है, ठीक है, अपने इंटेंशन से किसी से बता नहीं रहे हैं, पता है, छुपते फिर रहे हैं ये जो भी पर्सन है, छुपते फिर रहे हैं और अपने सारे प्लान्स को, अपने सारी जो भी इनके मैनिपुलेटिव या जो भी इनके इंटेंशंस है ना, इनकी नियत को इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से छुपा के रखा हुआ है जो आप जान नहीं पाएंगे। किसकी एनर्जी आ रही है, इतना ज़्यादा सीक्रेटिव, पता ना लगने देना कुछ भी अपने बारे में। लेट्स सी आगे क्या है। थैंक गॉड इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है, कई लोगों की एनर्जीज पता चल जाती है। वही है कि कोई आपके अराउंड ऐसा पर्सन है जो फेक है, दिस पर्सन इज नॉट रियल। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, ज़रूरी नहीं है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या अपने स्पेशल पर्सन के बारे में उनकी रीडिंग हो, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, एक कार्ड आया है, बेसिकली चीज़ों को छुपाया गया है आपसे। एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी पर्सन है अभी फ़िलहाल बिजी है सिर्फ इसी चीज़ में, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में, स्ट्रेटजीज बनाने में। ठीक है, और इसी चीज़ में ये पर्सन बिजी है। मून का कार्ड है, मून के नीचे एट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये पर्सन सिर्फ अपने माइंड में इन्हीं चीज़ों को खिला रहा है अभी कि किस तरीके से जो है आप खेल खेलना है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, देखते हैं आपके इर्द गिर्द कोई आस्तीन का सांप है तो बी अलर्ट। ठीक है, ये गाइडेंस है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दैट समवन इज अ स्नेक एंड वेरी स्नीकी पर्सन अराउंड, बी अलर्ट, बी कॉशियस। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हमने यही ग्रैब किया है कि कोई एक पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में है। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ में है, मतलब आप जानते हैं इस पर्सन को। ठीक है, और ये पर्सन अभी जो है स्नीकी बिहेव कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखते हैं
आगे और क्या पता चलता है। कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, देखा आपने। कार्ड्स जब नहीं आते हैं तब हमें यही जस्ट एक ही बात फील होती है कि जिसकी भी एनर्जीज हम ग्रैब कर रहे हैं वो कुछ बताना नहीं चाहता है, सब कुछ हिडन रखना चाहता है, सब कुछ सीक्रेट रखना चाहता है, तभी कार्ड्स नहीं आते हैं। ये हम लास्ट शफल करेंगे, ठीक है। नहीं आया। बॉटम देख लेते हैं क्या है। द एम्प्रेस ये आपकी एनर्जीज है, ठीक है। ये इस पर्सन की एनर्जीज नहीं है, ये आपकी एनर्जीज हैं जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस की एनर्जी में है। और इसके नीचे हमें ये हाई प्रीस्टेस दिख गया है, तो हम ये भी लेंगे। हाई प्रीस्टेस, इस समय आपकी इंट्यूशन बहुत चरम पर है, आपकी गट फीलिंग बहुत चरम पर है। आई थिंक ये इस पर्सन को हॉन्ट कर रही है कहीं कहीं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो भाई अपनी इंट्यूशन से जो है इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे, इनकी पूरी जो है पोल खुल जाएगी, लोगों के सामने इनकी असलियत बाहर आ जाएगी, इसलिए ये पर्सन छुपते हुए फिर रहे हैं। कुछ तो इस पर्सन ने ऐसा किया है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। ये जो भी पर्सन है, किसी ख़राब चीज़ में ये पर्सन लिप्त हैं, उन्होंने ये ऐसा कुछ तो किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। इनको कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन उस चीज़ की वजह से वो चीज़ इनको हॉन्ट कर रही है, बस उस चीज़ का गिल्ट है, रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट और गिल्ट में दो अलग अलग वर्ड होते हैं, फ़र्क होता है, अफसोस और गिल्ट, ठीक है। तो इनको जो थोड़ा सा जो है उस बात का गिल्ट है कि अगर ऐसा काश ऐसा ना होता तो अच्छा था, लेकिन कोई अफसोस नहीं है, शिकन नहीं है इनके माथे पे कि ठीक है अब हो गया है तो हो गया है, जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी गलतियां की है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज निकल के आई है। प्लीज़ अपने एनर्जी, अपने ऑरा को क्लेंस कीजिएगा। सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, ऑल ऑफ यू नीड, डेफिनेटली यू नीड टू यू नो क्लेंस योर ऑरा। तो आप जस्ट इंसेंस से अपने आप को क्लेंस कर सकते हैं। कल ये रीडिंग तो रात को अपलोड होगी अभी, मतलब तो आप लोग जो है कल सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, पानी में, नहाने वाले पानी में जस्ट थोड़ा सा आप सॉल्ट डाल लीजिएगा। काफ़ी नेगेटिव और हैवी एनर्जीज आपके आसपास हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है मैनिपुलेशन के आपको पूरे दिन ये आप ही के बारे में सोच रहा है कि आपको बेसिकली मैनिपुलेट और आपको जो है अपनी बातों में उतारना कैसे है। तो आप ये प्लानिंग पूरे दिन ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर भी जाती होगी, और हो सकता है कि आप भी बहुत हैवी फील करते हो, जैसा कि हम कर रहे हैं। यहाँ पर इस साइड पर दर्द हो रहा है, हमें अजीब सा यहाँ पर भारीपन, यहाँ पर अजीब सा लग रहा है, ठीक है। और बहुत ही एकदम से ऐसा लगेगा आपको जैसे पेट में ब्लोटिंग हो गया, जैसे कुछ खाया नहीं है पर ऐसा लगे जैसे फूल रहा है पेट, या फिर आपको हैवीनेस आपको फील होगी, जैसे बहुत भारीपन है, तो वैसी वाली इस रीडिंग से हमें फ़ील हो रहा है, ठीक है। हालांकि आप लोग इस एनर्जीज में हैं, ठीक है, और हम आपको बोलेंगे कि प्लीज़ आप इसी एनर्जी में रहिए, इसी पावर में रहिए, मेल फीमेल कोई भी आप हो सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी डिवाइन एनर्जीज में रहिए, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका डजेंट हैव टू बी, लेकिन प्लीज़ अपने जो ऑरा है उसको ज़रूर क्लेंस कीजिएगा। अभी तक के लिए तो हमको यही समझ में आया है, रीडिंग बहुत शॉर्ट रही है, दोनों डेक से हमने कार्ड्स पुल आउट किए हैं, स्नेक स्कॉर्पियो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, बिच्छू जो डंक मारता हो। अच्छा, यहाँ पे मून का कार्ड है, मून के कार्ड में अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे दो डॉग्स के साथ यहाँ पर एक स्कॉर्पियो भी है। अभी हमने नोटिस किया कि अच्छा यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। तो मून पाइसिस एलिमेंट होता है, हालांकि वाटर साइंस से रिलेटेड होता है मून का कार्ड, मेजर अरकाना,
यहाँ पर स्कॉर्पियो, तो वही हमने बोला ना कि बिच्छू या फिर सांप वाली एनर्जी है जो स्टिंक मतलब डंक मारने के लिए रेडी है। तो प्लीज़ बी अलर्ट एंड अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सावधान रहिए। शुक्र कीजिए अगर टैरो ना होता तो हम लोगों को कुछ पता ना चलता किसी की एनर्जीज़ के बारे में, एटलीस्ट हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि ओके तो, और पॉसिबिलिटीज़ हम माइंड में बना लेते हैं, हमें कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली कुछ लोगों के भी इमेजेस आ जाते हैं कि ये वो हो सकते हैं या वो भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, तो हम उनसे जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, राइट। तो टैरो हम हमेशा से बोलते हैं इस गाइडेंस टूल, ठीक है, इसको हमेशा गाइडेंस के तौर पर लीजिए और बहुत ही बेहतरीन जो है ज़रिया है एनर्जीज़ वगैरह से कनेक्ट करने का और लोगों के बारे में पता लगाने का कि उनकी फीलिंग्स इस समय क्या है, है ना, काफ़ी कुछ। तो थैंक गॉड कि ऐसी कोई चीज़ दुनिया में इजाद हुई। तो ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, कुछ आपको समझ आया हो, कुछ आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, प्लीज़ बी सेफ और गॉड से हमेशा प्रे करते रहिए सबके लिए, इस पूरी कम्युनिटी के लिए जो इस फैमिली से जुड़े हैं, और पूरी दुनिया के अमन चैन के लिए, सबकी वेलबींग के लिए हमेशा दुआओं में सबको रखिए, ठीक है, जो बुरा कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि एक टाइम क्या पता हमारे अच्छे थॉट्स की वजह से, हमारे प्रेयर्स की वजह से उनमें भी कुछ अच्छाई आए, ठीक है। और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ठीक है, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड हमें हमेशा से कहते हैं, और कर्मा देवता से डरना ज़रूरी है, तो कर्मा देवता का ख्याल रखिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से ही आप काम कीजिएगा, बाकी कर्मा देवता की जय, ठीक है। कर्मा देवता तो जी आएंगे और सबको लात मार के जाएंगे, हम हमेशा से बताते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और मर्ज़ी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पायलट बैच से जुड़े। आज एक क्लास हो गई है तो अगली क्लास संडे को रहेगी 12 बजे, तो प्लीज़ अगर आप लोग कुछ आप लोगों में से कुछ लोग अगर इच्छुक हैं तो प्लीज़ हमसे ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा हमारे मेल पर, और इस टैरो क्लासेस का हिस्सा बनिए, हमें अच्छा लगेगा और शायद आपको भी अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो अपनी हीलिंग जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज़ करने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप में कुछ अलग पावर्स हैं और आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल हैं, इंट्यूटिव हैं, तो आप भी टैरो ज़रूर सीखिए, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में आइए, लोगों को हील कीजिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।